जी फिरोज बने रही हमारे साथ। एक और दर्शक हैं एसएमएस के जरिए, उन्होंने सवाल पूछा। पंकज आहूजा चंडीगढ़ से, और 25 साल इनकी उम्र है, सर्विस में हैं और मंथली इनकम है इनकी 20,000। इन्होंने जो अपना लक्ष्य रखा है 30 लाख का, आने वाले 10 से 15 सालों में ये चाहते हैं कि इनकी सेविंग हो जाए, 4,000 हर महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कौन से फंड फिरोज आप को लगता है कि इनके लिए इनका लक्ष्य हासिल करने में मददगार साबित होंगे? क्योंकि इनकी एज जो है 25 साल की है, ये अर्ली स्टार्टर है, तो इनकी जो रिस्क की एपेटाइट होगी वो थोड़ी सी मार्जिनल ज़्यादा होगी। तो मैं इनको दो और स्कीम्स जो थोड़े एग्रेसिव है वो रेकमेंड करूँगा। लार्ज कैप कैटेगरी में मिरर इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा आहूजा जी के लिए। और सेकेंड जो मिड कैप कैटेगरी में, अगर ये SBI मैग्नम मिड कैप लें, ये दो स्कीम का अपना पोर्टफोलियो बनाएं, और जो ये 4,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको अगर 6,000 तक धीरे धीरे पुश करें, तो इनका जो लक्ष्य है 30 लाख का 10 से 15 सालों में जरूर पूरा हो सकता है। उसके लिए 12 से 14% की रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। हिस्टोरिकली अगर आप म्यूचुअल फंड्स को इस तरह मिक्स करें मिड कैप और लार्ज कैप में, तो 15 से 17% की रिटर्न आई हुई है। बट अगर थोड़ा कम कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन भी हो, तो इनका लक्ष्य पंकज जी का जरूर पूरा हो सकता है। सो लार्ज कैप मिरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, मिड कैप कैटेगरी में SBI मैग्नम मिड कैप, ये अच्छा कॉम्बिनेशन होगा इनका पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। जी, तो पंकज अभी चूंकि आपकी एज कुछ ज्यादा नहीं है, तो यही आपको सजेस्ट किया गया हमारे एक्सपर्ट फिरोज की तरफ से। 75% इक्विटी में और 25% डेट में भी आप निवेश कर सकते हैं, और PPF और इंश्योरेंस में भी आप निवेश जरूर करें, तभी जो आपने अपना लक्ष्य रखा है आने वाले 10 से 15 साल के लिए वो आप अचीव कर लेंगे। और हमारे साथ एक और इस वक्त दर्शक हैं, इन्होंने मेल के जरिए सवाल भेजा। जुगनू नांगिया है, एज है उनकी 36 साल, गवर्नमेंट सर्विस में है, और एनुअल इनकम इन्होंने 7 लाख फिरोज अपनी बताई है, गोल है 1 करोड़ 20 सालों में। तो अब फिलहाल वो ये जानना चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना तो उन्होंने शुरू कर दिया म्यूचुअल फंड्स में, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी बताए, HDFC इंडेक्स है, सेंसेक्स प्लान है 3,000 पर मंथ का। अब आगे उनका पोर्टफोलियो क्या ऐसा ही रह सकता है, और क्या इसी से वो अपना गोल अचीव कर लेंगे? जैसे इनका जो पोर्टफोलियो इन्होंने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं HDFC बैलेंस फंड में और HDFC के सेंसेक्स इंडेक्स फंड में, मेरे हिसाब से ये दोनों ही इनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इतने अच्छे स्कीम्स नहीं रहेंगे, तो इनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया में ये देखा गया है कि इंडेक्स फंड्स जो हैं उसको एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, जिसमें फंड मैनेजर बहुत सारे अपने एनालिसिस के द्वारा अच्छे स्टॉक्स खरीदता है, उसकी रिटर्न एटलीस्ट साल दर साल 4 से 5% ज्यादा होती है, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाती है ग्लोबली। जैसे US में फंड मैनेजर्स बीट नहीं कर पाते इंडेक्स को, इंडिया में 90% फंड मैनेजर्स इंडेक्स को बीट करते हैं, तो इंडेक्स फंड्स एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी, क्योंकि 4-5% एक्स्ट्रा रिटर्न लॉन्ग पीरियड्स में बहुत इंपैक्ट कर सकता है इनके पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिवली। सो HDFC सेंसेक्स फंड डेफिनेटली अ नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर दर्शक के लिए कि इंडेक्स फंड इंडिया जैसे कॉन्टेक्स्ट में अगले 10-15 सालों के लिए एक्टिवली मैनेज फंड्स इंडेक्स फंड से बहुत अच्छा करेंगे, तो उसमें अपने पैसे सब ऑप्टिमली यूटिलाइज ना करें, और सेंसेक्स और निफ्टी के फंड्स जो इंडेक्स फंड्स कहलाते हैं उसको ना रखें। और ये जो बैलेंस फंड है HDFC बैलेंस फंड, उनका फ्लैगशिप फंड नहीं है, तो उसमें भी इनको निवेश नहीं करना चाहिए। मैं दूसरी 6 स्कीम 5 स्कीम बता देता हूं, जिससे अगर ये पोर्टफोलियो क्रिएट करें तब जाके उनका जो 1 करोड़ का 20 साल का लक्ष्य है वो पूरे होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो लार्ज कैप कैटेगरी में कोटक सेलेक्ट फोकस स्कीम होगी, और बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन एक्विटी फंड, ये दो लार्ज कैप स्कीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी अगले 3-4 सालों के लिए। और मिड कैप कैटेगरी में कैनरा रेबेको मिड कैप फंड, इमर्जिंग एक्विटीज कहलाता है, वो बहुत अच्छा मिड कैप स्कीम होगा। और मिड कैप कैटेगरी में SBI मैग्नम मिड कैप, तो ये 4 एक्विटी स्कीम्स को निवेश करना जरूरी है, और 10,000 रुपये अगर निवेश किए करें और थोड़ा सा डेट पोर्टफोलियो में भी क्रिएट करें, क्योंकि इनकी उम्र 36 साल की है और 20 साल का टाइम फ्रेम है। एक डेट स्कीम बता देता हूँ, ICICI रेगुलर सेविंग स्कीम, ये 5 स्कीम्स को कंबाइन करके 1/5 हिस्सा अगर पूरी 5 स्कीम्स में डाला जाए तो इनका जो 1 करोड़ का लक्ष्य है 20 सालों का ज़रूर पूरा हो सकता है। जी जाहिर है, तो आपका लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको जो अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं वो भी आपको बताए गए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अपने फंड का 70% इक्विटी में और 30% डेट में आप अगर निवेश करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, अपना लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर लेंगे।